ये 4.1 में से फर्स्ट एग्जांपल है. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 6 एंड 8. तो हमें पहले 6 एंड 8 के स्क्वायर ढूंढने. तो 6 और 8 के स्क्वायर कैसे आएंगे? स्क्वायर मतलब क्या? उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर. 6 6 36 8 8 64. इनको क्या बोला है? एडिशन. सम ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट. तो अभी आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाना पड़ेगा. उसके पहले फर्स्ट एग्जांपल ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट का है. तो इसका एडिशन कर लेते हैं हम पहले. यहाँ पर 10 0 कैरी 1 और ये हो गया 100. तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं. जैसे हमने यहाँ पर किया 6 into 6, वैसे हम पहले 1 into 1 अगर करेंगे. 1 into 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा. जब हम 2 into 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 4 2 2 4. तो ये जो नंबर है यहाँ का, जिसको हम डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ये होता है स्क्वायर. समझा? तो 3 3 जा क्या आएगा? 9. तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3. समझा? ये जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट पूछा, तो जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है वो स्क्वायर रूट होता है. 3 3 9, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 3 का स्क्वायर है 9. 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 4 16 5 5 25 6 6 36 36. तो 6 का स्क्वायर 36. 7 7 42. हाँ, 7 7 कितना? 49. 8 8 64. 9 9 81. यहाँ पर जगह नहीं है. हाँ, 81 करेक्ट. और 10 10 100. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये दोनों के स्क्वायर को ऐड करके जो नंबर आता है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है. तो 100 जो है ये किसका स्क्वायर है? 10 का. जब हम 10 into 10 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 100. इसलिए 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10. आंसर मिला आपको 10. राइट करें. 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें पूछा है कि 12 और 15 इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं. तो पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो 12 के फैक्टर मतलब 12 को कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 12 वन जा. हाँ, 1 से होता है. और 6 से. 2 से भी होगा. 2 6 12. और 3 से होगा? 3 4 12. तो 3 आएगा, 4 भी आएगा, फिर 2 6 12, इसलिए 6 आएगा और उसके बाद 12 आएगा. इतने सारे नंबर्स है जिससे 12 को डिवाइड होता है. तो ये क्या है? फैक्टर्स. हाँ, तो 12 और 15 में कॉमन फैक्टर हमें पूछे, इसलिए हम दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसको कॉमन कौन से है उसमें वो फाइंड आउट करेंगे. तो 15 के फैक्टर्स 1, और किससे डिवाइड होता है इसको? 2 से होगा क्या? 2 से. 15 को 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? तो 3 से होगा क्या? हाँ, होगा. 3 5 15. तो 3 के बाद आएगा 5 और उसके बाद 15 1 15. तो अभी इस 12 के फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है? 1 1. कॉमन मतलब सेम. 3 3. तो यहाँ पे नहीं है, अभी 3 है. 3 है. बाकी कौन से फैक्टर्स सेम है क्या? नहीं. तो हमारा आंसर क्या है? कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 1 एंड